हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2021 पर आधारित एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। ये क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। महान कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्माचल के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया। इन्हें इनकी रचनाओं पर अनेक पुरस्कार मिले, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। 28 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष से ही कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। सन 1919 के बाद उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब बात करते हैं कृतियाँ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे कि काव्य रचनाएं में इनके वीड़ा, ग्रंथी, युगवाणी, उत्तरा और यहाँ पर गीत हैं इनके ज्योत्सना, रजत शिखर, उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियाँ, यानी कि 5 कहानियाँ इनकी कहानी का नाम है। यानी अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो जीवन परिचय आपका 5 नंबर का आता है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो आप इसमें से थोड़ा सा कट कर सकते हैं। जैसे कि रचनाएं में आपको 2 रचनाएं लिखनी होती है तो आप 2 ही रचनाएं लिखिए। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।